से बात करेगा ट्रांसलेशन की, ना कि पोजीशन की, ठीक है। और अगर आपने इसमें से किसी भी चीज़ को एनिमेशन करवानी है तो इस पर आएंगे राइट क्लिक सेट की, ठीक है। यहाँ से टाइम को आगे बढ़ाया, सिर्फ चूंकि हमने एक लगाई थी इससे इसने इसके डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया अंदर वाले, टॉप शीट जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये कीज सारी की सारी यहाँ लगी हुई होंगी, रिमूव कर दी मैंने कीज। रोटेशन को अगर आपने की लगानी है रोटेशन को भी की लगा देंगे, समझ रहे हैं या नहीं। यहाँ सबका चैनल्स हैं, RGB देखना है, R देखना है इसका, G देखना है, B देखना है या अल्फ़ा देखना है। अल्फ़ा अगर होगा तो नज़र आएगा, अल्फ़ा नहीं होगा तो ये फाइट कर देगा RGB, ठीक है। 2D देखना है व्यू, 3D व्यू देखना है, ठीक है। ये सारा कुछ इसका सिलसिला है। स्पेसिफिक रीजन में आके अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो ये आप स्पेसिफिक रीजन को देख सकते हैं, उसकी अगर आप कोई चीज़ तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन ये जैसे ही आप रीजन हटाएंगे ये ख़त्म हो जाएगा, टेम्परेरी होता है, कोई परमानेंट अप्लाई नहीं करता इफेक्ट्स, ठीक है। एफ स्टॉप होता है आपके पास कैमरे वाला ऑप्शन, लेकिन ये भी टेम्प्रेरी है। बाकी अगर आपने कुछ भी अप्लाई करना है तो आप उसकी नोट लेकर आएंगे, अदरवाइज़ आप इसको नोट पे नहीं लेके आ सकते, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं आके एक नोट ला रहा हूँ, मर्ज की नोट, ठीक है। मर्ज की नोट के अंदर में आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, एक बैकग्राउंड का होता है और एक फोरग्राउंड का होता है। बी पे आके आपने इसको सिलेक्ट किया और ए पे आके आपने इसको सिलेक्ट करवा दिया एम, ठीक है। आप अगर ये टैप करेंगे तो यहाँ से मर्ज, क्लियर है ये कन्फ्यूजन। मर्ज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑपरेशंस, इट्स लाइक अ ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड्स तो पता है ना आप लोग क्या क्या होता है, क्या काम करते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। इसमें वही काम है, वो चीज़ ऐड करवानी है, स्क्रीन, हाई स्पॉट, डिवाइड, डिफरेंस, एवरेज, क्या करना चाहते हैं, ओवर, एक दूसरे के ऊपर, क्लियर। बाकी आप इसको अगर आपने मूव करवाना है, एनिमेशन करवानी है, तो आप इस पे आगे ट्रांसफॉर्म की नोट लगाएंगे, सही। ठीक है, इसको स्केल किया आपने सबसे पहले,
इसको बाहर ले गए। सेट की ठीक है, इन सब पे की लगा दी मैंने, थोड़ा सा आ गया है। समझ रहे हैं या नहीं? नहीं क्या समझ? कल वेटर में आएंगे आप तो कल वेटर में आपके पास खुल जाएगा ये सारा कुछ। ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट, जो जो चीज़ आपके पास उस सब की चीज़ आपको कर्व नज़र आना शुरू हो जाएंगे। रोटेट पर हमने कोई खास नहीं किया, ये आपका स्केल है। स्केल को आप इस तरह वहाँ स्मूथ कर सकते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। जेट जहाज देखा हो चलते हुए, तुमको पता हो ना कैसे होता है वो। निकम्मे इंसान भाई, ये इसी एक स्पेस के अंदर में आपने दिखाना करना है। अच्छा, इसको डेप्थ कैसे लेके आनी है, इसका काम वही है जिस तरह आपने आफ्टर इफेक्ट्स में किया था। टुकड़े टुकड़े काटेंगे और आगे पीछे रखेंगे, लेकिन इसमें आगे पीछे रखना उससे थोड़ा सा ईजी भी, मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्ड्स को और उसके साथ ज्वाइन करने पड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसमें, लेकिन ये कि इसमें है आपके पास बाकायदा 3D स्पेयर की वजह से बहुत कुछ आप विजुलाइज सही तरीके से कर सकते हैं। पूरा फ्लोर प्लान है आपके पास, इसमें मॉडल वगैरह कुछ बनाने हो करने हो, हल्का फुल्का सा काम इसमें हो सकता है। ये सब उसमें कल आप लोगों ने देखा था एलिमेंट 3D करने में। ये क्लियर है जी? कन्फ्यूजन बोलो आयु। किस पे क्या करना है? हाँ जाहिर सी बात है, कोई भी ऑप्शन देखो, बगैर की लगाए तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी किसी में भी एनिमेट नहीं कर सकते हो ना। सेम यहाँ पे भी वही काम है। और ये जो स्टाइल है ना एनिमेशन का, ये आपके आगे मैक्स, माया सब में इसी तरह के चलता है।
यूनिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर राइट क्लिक करके आप की सेट करते हो और चल जाता है। माया का स्पेशली स्टाइल एनिमेशन का यही है, ठीक है ना। आप उसको इस तरह की देते हो, उसके बाद उसको एनिमेट करवाते हो। तो मैक्स में तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लाइन वाला हिसाब किताब है, तो माया के अंदर में सेम यही चीज़ है कि आप ये करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज पे। अच्छी सॉफ्टवेयर चेंज होगा ना तो थोड़ा सा स्टाइल एंड स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब आप कहो कि जी इसमें वही स्टाइल और वही उसी तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वो ज़रा एनिमेशन हल्की फुल्की दे सकते हैं आप उसमें भी, लेकिन मसला उसका वही है कि सिनेमा 4D का, कि सिनेमा 4D मॉडलिंग के लिए अच्छा नहीं है। एनिमेशन वगैरह सिमुलेशन वगैरह किसी हद तक दे देता है, सिमुलेशन तो बहुत अच्छी देता है, मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छा है, एनिमेशन हो जाती है उसमें, इसमें हो जाती है एनिमेशन तो हो जाती है, लेकिन एनिमेशन मतलब आपके पास समझे गए भी कर सकते हो आप। लेकिन कीज के ऊपर करो काम। हाँ ये सब दिया हुआ है तो यहाँ से भी हो जाएंगी सब चीज़ें, लेकिन इस पे करना आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा, वैल्यूज के साथ खेलना, ठीक है ना। वो ये जो वाली एनिमेशन है ना, ये हाथ वाली अंदाजे वाली है, ये कीज वाली होती है जिसमें आपको पता होता है कि आप कितना एनिमे रोटेट कर रहे हो, कितना स्केल कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, वो आपको काम आएगा। कर सकते हो ऐसे भी, ये सब आपकी मर्जी हो। क्या चेंज कर हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन के साथ खेल रहे थे ना। इसमें इस तरह से नहीं, ये काम जो है ना वो वाला जो काम आफ्टर इफेक्ट्स वाला है वो इसमें से नहीं होता। कर्व एडिटर है आपके पास, ये चीज़ है, ये काम नहीं होगा इसमें। ऊपर खेलना होगा आपको, क्लियर है। मोशन ब्लर लगाएंगे तो मर जाएगा, ठीक है। मोशन ब्लर आफ्टर इफेक्ट्स में मर जाता है तो इसमें क्यों नहीं मरेगा, ठीक।
ठीक है, लेकिन इससे अगर आपके पास वो जो है ना मूवमेंट का जो धुंधलापन है ना वो आ जाता है आपके पास। आप इसको भी एनिमेट करते हो जैसे कि ट्रांसफॉर्म के बाद लगाओगे ना, मोशन ब्लर लगाया, सिर्फ सोर्स इसकी मेनली करेक्ट करवाओगे, बाकी चीज़ें बाद में बताऊँगा ये क्या चीज़ है। हाँ मैट, और क्या मैट आपको पता है मैट क्या होता है? ट्रैक मैट और इमेज मैट, क्या होता है मैट? निकम्मे हो रहे हो शुजा तुम भी। हाँ भाई शाफिया, अब ये घर वाला मैट नहीं बता देना, ना ही जो वो चाय का बर्तन रखने वाला मैट बताना मुझे, पहले ही बता दूंगा। मैट बहुत ज़रूरी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, इसको समझ। ब्लैक और वाइट भाई, काला सफ़ेद, मैट ये चीज़ होती है आपके पास कि आप कितनी चीज़ जो है वो अल्फ़ा चैनल जो है वो उसका मैट, ठीक है। अल्फ़ा तो इमेज के साथ होता है ना, आप जब अलग से सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का प्रोपोर्शंस बनाकर लेकर आते हैं तो फिर वो एज अ मैट यूज़ होता है कि जितना हिस्सा दिखाना है जितना हिस्सा गायब करना है आपने, ठीक है। तो मास्क वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये उस वक्त जो है वो आप इसको मैट लगाएंगे तो इसको इतने हिस्से को मास्क कर देगा ये, कि इसमें अगर इमेज में या फुटेज में जो चीज़ होगी जैसा मैट होगा उस हिसाब से। ये फ्रेम्स है बेटा, हाँ 100 फ्रेम्स तक है, 100 फ्रेम्स बाई डिफ़ॉल्ट है आपके पास, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। फ्रेम्स हैं इसमें, क्लियर जी। तो ये जो धुंधलापन वाला इफेक्ट है ना ये मोशन ब्लर होता है, लेकिन मोशन ब्लर इजी नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत जान ले लेता है कोई भी सिस्टम, लोग कम से कम यूज़ करवाते हैं इसको। क्लियर जी, कंफ्यूजन हाँ मतलब मिल जाती है, लेकिन ये जाहिर सी बात है ये हाई एंड ग्राफिक्स के लिए, नॉर्मल उसके लिए है ही नहीं भाई, फिल्म कंपोजिटिंग का काम करने के लिए बैठो भाई। आप लोगों के जिम्मे वही असाइनमेंट है जो आफ्टर फिल्म में पहले असाइनमेंट दिया था, रोड लाएं, गाड़ी लाएं और चला के निकालें उसको। लेकिन यहाँ नोट्स क्या इस्तेमाल होंगी, यही नोट्स इस्तेमाल होगी जितनी बताई है मैंने, और कैसे उसको आप रोटेट करते हैं या एनिमेट करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सारी लेयर्स अलग अलग लाओगे, एक साथ कैसे मूव करवाओगे भाई? पहली चीज़ तो देखो तुमने मूव क्या क्या करना है, अपन पूरी लॉजिक पूछो तो फ़ायदा क्या हुआ मुझे बताओ। यही तो टेंशन तुम्हें देनी थी मैंने कि तुम लोग ज़रा हाथ लगाओ, मैं बताऊँगा सब चीज़ बच्चे, लेकिन इस वक्त नहीं कर रहा, इस वक्त मैं चाहता हूँ तुम लोग अपना दिमाग कुछ इस्तेमाल करो, बल्कि यहीं बैठ के करो अभी, शाबाश, कहीं घर पर नहीं करना, अभी करो फटाफट। कितनी देर है? बहुत टाइम है, 20 मिनट है।